नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, जितने भी कॉमन सर्विस सेंटर यूज करने वाले सीएससी वीएलई भाई हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही गुड न्यूज करके सामने आ रही है। टीचर ट्रेनिंग ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट। इसमें कैसे आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना है, साथ ही साथ क्या आप लोगों को बेनिफिट होने वाला है, और इसमें किन लोगों का आप लोगों को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। जितने भी ब्लॉक लेवल सीएससी एकेडमी खोले हुए भेली भाई हैं, या फिर बाल विद्यालय योजना के अंतर्गत जिन्होंने अपना सेंटर खोल रखा है, वे लोग इस वीडियो को जरूर देखें। साथ ही साथ ऐसे यूजर्स जिन्होंने आधार यूसीएल सेवा केंद्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था या फिर नहीं किए हैं, प्रोसेस के बारे में नहीं पता है, वे लोग भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे मैं छोटी सी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, ऐसे यूजर्स जिन्होंने अभी तक टारगेट इज पॉसिबल के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आधार यूसीएल को लेकर। सबसे पहले आप लोग गैजेट्स अपडेट हिंदी डॉट कॉम की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए। यहाँ पे फर्स्ट आर्टिकल आपको मिलेगा, जो कि 9 मिनट पहले ही मैंने पोस्ट किया है। ऐसे सीएससी वीएलई जिन्होंने अभी तक आधार सेवा केंद्र के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है, वे लोग इस आर्टिकल को ज़रूर देखें। अगर आप इस आर्टिकल को एक बार देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो भी समस्या बन रही है आधार यूसीएल अपडेट सेंटर खोलने के लिए, उसके संबंध में मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दे रखी है। यहाँ पे मैंने टोटल 10 फैक्ट के बारे में बताया है और उसका समाधान भी मैंने बताया है। फर्स्ट क्या है, कॉमन सर्विस सेंटर आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसके लिए आप लोग आवेदन कैसे करेंगे, वह भी थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा आपके पास HDFC बैंक BC या ICICI बैंक BC होना जरूरी है एक आधार सेंटर खोलने के लिए। इसके अलावा आधार NSEIT ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी, यह भी आपको अनिवार्य रूप से होना चाहिए, चाहे आपके पास ऑपरेटर का सर्टिफिकेट हो या फिर सुपरवाइजर का हो। इसके अलावा ऑपरेटर सुपरवाइजर पुलिस वेरिफिकेशन, ये भी आपको अनिवार्य रूप से देना है। इसके अलावा ऑपरेटर सुपरवाइजर के ई आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर होना ज़रूरी है। इसके अलावा कई लोगों के मन में अभी भी समस्या है कि लैपटॉप किस तरह का लेना है और TPM कैसे चेक करेंगे, इसके भी संबंधित मैंने 6वें स्टेप में पूरी जानकारी दे रखी है। इसके अलावा कलर मल्टीफंक्शन प्रिंटर, ये तो आप सभी को पता होगा। इसके अलावा सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस और आयरिस स्कैनर के संबंधित मैंने जानकारी दी है। इसके अलावा TFT मॉनिटर क्या होता है, GPS डिवाइस कैसे बाय करें। इसके अलावा इंटरनेट फैसिलिटी, ब्रॉडबैंड स्टैटिक्स IP के संबंधित मैंने 10 स्टेप कवर किए हैं। अगर आप लोग इस आर्टिकल को देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में जो भी समस्या बना हुआ है उसका समाधान मिल जाएगा। साथ ही साथ मैंने वीडियो भी यहाँ पर दे रखा है, ताकि आप लोग वीडियो के माध्यम से भी समस्याओं का समाधान कर सकें। इसी प्रोसेस में नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आप तो यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। आप अपने लैपटॉप का TPM कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आप लोगों को अपने सिस्टम में टाइप करना होगा विंडो R और वहाँ पे टाइप करना होगा TPM.msc। जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पे आपका TPM दिखाई देगा और UCL चलाने के लिए जो PC का रिक्वायरमेंट है वे 2.0 TPM मांगा जा रहा है। इससे अधिक भी चलेगा, कम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ऐसे आप लोग TPM चेक कर पाएंगे। अब बात करेंगे कि जो सर्विस डिजिटल सेवा पोर्टल में अपडेट हुई है, टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो कि 12 आवर्स के लिए है, उसके बारे में आप लोग थोड़ी जानकारी ले लीजिए इसी वीडियो के माध्यम से। यहाँ आप लोग देख सकते हैं डिजिटल प्रशिक्षण उपकरण और संसाधन, 12 घंटे का प्रशिक्षण कार्यक्रम, पंजीकरण शुरू हो गया है। यहाँ पर वर्चुअल लैब किस प्रकार से चला सकते हैं, छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं में कैसे व्यस्त करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरणों का उपयोग कैसे करें, कैसे आप ऑनलाइन असेसमेंट का संचालन कर सकते हैं, ऑनलाइन शिक्षण के लिए मुफ्त वेब संसाधन और उपकरण क्या हैं, वर्चुअल रियलिटी 3D इलेक्ट्रॉनिक्स के डायनेमिक पार्ट किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, कौन कौन इस कोर्स को कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्कूल शिक्षक, कॉलेज व्याख्याता, प्रधानाचार्य, प्रशासक, स्कूल के मालिक, होम स्कूलिंग माता पिता। इसके अलावा पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, उच्च माध्यमिक जैसे पाठ्यक्रम क्षेत्र के व्यक्ति और विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, गणित, EVS,
कंप्यूटर विज्ञान और आईटी धाराओं से संबंधित व्यक्ति इस कोर्स को कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कोर्स की अवधि 12 घंटों का है, कोर्स की फीस 550 रुपये है जीएसटी सहित। इसके अलावा समय शाम 5 बजे से 7 बजे तक इसके संबंधित क्लासेस लिए जाएंगे। एक बैच में टोटल 125 व्यक्ति ही शामिल होंगे। इसके अलावा पहला बैच शुरू होने का तारीख है 10 अगस्त और वहीं ये 11, 12, 13 करके हर एक डेट वाइज इसका बैच शुरू होगा। इसमें एक सीएससी वैली को 75 रुपये की कमीशन दी जाएगी। नीचे ये वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट को आप लोग गूगल ब्राउज़र में ओपन करना है जो कि मोजिला ब्राउज़र में सपोर्ट करेगा, ना कि क्रोम ब्राउज़र में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो भी पेमेंट होगा आपके डिजिटल सेवा वॉलेट से नहीं होगा, ये ऑनलाइन नेट बैंकिंग के माध्यम से होगा। जब आप इसका पेमेंट कर देंगे तो आपके वॉलेट में 75 रुपये का कमीशन चला जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के ही दौरान आपको अपना सीएससी आईडी वहाँ पे टाइप करनी होती है। तो दोस्तों ये थी छोटी जानकारी, आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।